हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा जो है वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहा हूं। मैंने आपको बोला ही था कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी जो है बिहार की तारीफ नहीं करती है, और आज मैं आपको दिखाने लेके जा रहा कि बिहार में जो है वो पर्यटन के क्षेत्र में कितना बढ़िया, कितना ढेर सारा काम हो रहा है। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी संबंध में है। जैसा कि आपको मालूम ही है, वैशाली जो है वो बिहार का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बिहार देश और दुनिया भर से लोग जो हैं वो घूमने आते हैं, खासकर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। बौद्ध और महावीर की ये धरती है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, इसी से रिलेटेड हम जो है एक वीडियो बना करके आपको दिखाने लेके जा रहे हैं कि वैशाली में क्या बन रहा है। तो खबर यह है कि वैशाली में भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि वैशाली में जो एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनेगा। ये एक संग्रहालय होगा जिसमें कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजें होंगी। संग्रहालय का नाम होगा राष्ट्रीय बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। भगवान बुद्ध की कर्मस्थली तथा उनके अस्थि अवशेष प्राप्ति स्थल वैशाली में करीब 550 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। राष्ट्रीय स्तर के निर्माणाधीन संग्रहालय में भगवान बुद्ध का अस्थि कलश आम श्रद्धालुओं के लिए रखा जाएगा। आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए ये वहां रखा जाएगा। इसके साथ ही उनसे जुड़ी हुई अनेक प्राचीनतम वस्तुएं भी रखी जाएंगी। ऑडिटोरियम और ध्यान केंद्र के साथ ही समृद्धि संग्रहालय में पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को भी प्रदर्शित किए जाने की योजना है। इसी बारे में पूरा का पूरा वीडियो है। तो अब आपको जान के खुशी हुई होगी कि बिहार में एक से बढ़कर एक जो है टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट हब सेंटर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। उसी संदर्भ में ये भी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार सा जो है जगह है, और इससे भी जो है वैशाली और बिहार का नाम टूरिज्म के मामले में आगे जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था कि बिहार जो है अभी टॉप 10 इंडिया के टूरिस्ट प्लेसेस में आ रहे हैं। बिहार ने गोवा को भी पीछे छोड़ दिया टूरिज्म के मामले में, खासकर विदेशी टूरिस्ट के आने के मामले में। तो इसी संदर्भ में ये भी एक वीडियो है कि बिहार में ये नई चीज डेवलप हो रही है। तो अब आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि हम यूं ही ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस ला करके आपको दिखाते रहें।